डिसाइड किया है कि वाटर थीव्स जो हैं, जो पानी चोरी करते हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। इस एरिया में वाटर थीव्स बहुत ज़्यादा है, रीज़न भी है कि ग्राउंड वाटर ब्रैकिश है, कौड़ा है, ये ट्यूबवेल या किसी और सोर्स से सप्लीमेंट नहीं हो सकता। तो आज से हम वाटर थीव्स के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, हमारे बंदे जो डिपार्टमेंट के होंगे उनके खिलाफ भी डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। तावान केसेस होंगे, इसमें कोई इन्फ्लुएंशियल बंदा उस ये नहीं कह सकेगा कि वो बचेगा। मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से सबको वार्न कर रहा हूँ, कोई भी जितना भी इन्फ्लुएंशियल हो जो पानी चोरी करेगा उसको हम स्पेयर नहीं करेंगे। हमारी टीमें फील्ड में जाएंगी, नाइट रेड करेंगी, रात को पाइप मौके जो तोड़ेंगे उनको हम पकड़ेंगे और स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। इसमें आप भी हमें इन्फॉर्म करें, आपके पास खबर आती है जहाँ कोई वाटर थेफ्ट की खबर आए फौरी बताएं, हमारी टीमें तैयार होंगी। चार सोर्सेज हैं, भावलनगर डिस्ट्रिक्ट को जो पानी आता है वो सुलेमानकी से आता है, जो भावलपुर को पानी आता है ये आता है हेड इस्लाम से और SMB लिंक से, नंबर 3 रहीम यार खान, ये पानी आता है उधर से पंजनल हेडवर्क से, और ये आखिर में है टेल पोर्शन, टेलों की टेल है। ज़ाहर है दूर वाटर लॉसेस बढ़ते हैं, दूसरे मामलात होते हैं, तो इसमें जो है हम पूरी कोशिश करते हैं जो हमारा शेयर है ड्यू शेयर इरसा ने जो फिक्स किया वो हम लें उनसे, और हम इस दफ़ा अपने शेयर के मुताबिक पानी इस वक्त ले रहे हैं। पिछले दिनों सिंध का और पंजाब का सीजनल डिफरेंसेस होते हैं थोड़े से, वो उनका सीज़न गर्मी पहले आ जाती है हमारी बाद में आ जाती है, तो सिंध ने डिमांड किया था वो हमने उनका ड्यू शेयर दे दिया, जब हमारी बारी आई तो हमने अपना पानी लिया है। इस वक्त हमारा पानी पूरा है, ये मेरे पास गेज है, डेली गेज आती है और इसमें जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक पानी चल रहा है। कितना चल रहा है? ये 4 सिस्टम है, टोटल आप बताएं कितना चल रहा है? 29,000 क्यूसिक। हाँ जी, नॉट लेफ्ट। हाँ राइट नाउ क्वालिटी का ना हम प्रेशर को मानते हैं, हमारा काम ये है कि हम टेल पे पानी देंगे, और हमारे लिए जो है टेल वाले जो गरीब आदमी आम आदमी वही इन्फ्लुएंशियल है। हम इंशाल्लाह सियासतदान इस बारे में फोर्स करते हैं, हाँ, तो क्या आप भी उनके नाम नुमाया करेंगे इस हवाले से मीडिया पर कि जो सियासतदान आपको प्रेशराइज करते हैं खासकर जो ट्रांसफर पोस्टिंग और पानी के हवाले से कि एक्स्ट्रा पानी जो दिया जाता है अपने वहां के इलाके के लोगों को सपोर्ट करने के लिए, और दूसरा IG पंजाब या पंजाब पुलिस से आपका ये लाइजान हो चुका है कि जो पहले FIR दी जा रही थी उनके ऊपर क्या एक्शन हुआ, और मजीद जो मुकदमात दर्ज होंगे क्या इनके ऊपर अमल दरामद भी होगा या नहीं? जी FIR दर्ज हुई हैं, फोकल ऑफिसर हमारे पास मैडम AD हैं, इनके पास FIR की कॉपी मौजूद है, और जो नहीं हुई उसको हम परसू कर रहे हैं। वो एक प्रोसेस होता है, वराबंदी का नाम होते हैं, हम उसको स्क्रूटनाइज करते हैं, ये देखते हैं कि कोई गलत नाम ना आ जाए, और उसमें ऐसे नाम भी होते हैं जो लोग फौत हो गए होते हैं और उनके नाम वराबंदी में शामिल होते हैं, उसको टाइम लगता है थोड़ा सा देखने में कि ये बंदे अलाइव हैं कि नहीं, और जिनके नाम पानी होता है उसको हम FIR देते हैं। जी सर, डिज़ाइन के मुताबिक, डिज़ाइन पैरामीटर के मुताबिक चल रहे हैं और इंशाल्लाह हम चलाएंगे। सर बाल सफाई के हवाले से मैं बात करूंगा, जी बाल सफाई, क्योंकि महकमे का काम होता है कि नहरों की सफाई और लिंक कनाल जो होते हैं इनकी सफाई करना, लेकिन महकमा इसको नहीं करता और जिम्मेदारी डाल दी जाती है किसानों पे कि आप अपनी मदद ठीक है मैं कल ही सेक्रेटरी साहब की मीटिंग पे मैं लेके गया हूँ सारी प्रपोजल्स डीसिल्टिंग की, हमने ऑफिशियली उसमें प्रोविजन कर दी है। अगर आप कहेंगे मैं आपको अभी उसकी लिस्टें दे सकता हूं, और आपका कोऑपरेशन भी चाहिए, आप इन्फॉर्म करें कि इन एरियाज़ में हमने डीसिल्टिंग ऑफिशियली डाली है और जब कनाल क्लोजर होगा तो वो ज़रूर करवाई जाएगी। सर बात ये कि आपके पूरा रीजन है, हाँ जी, सबसे जो चैलेंज है आपको सबसे, हाँ जी, पहले ये एक जो टॉपिक नहीं, हमारे बंदे रात को भी जाएंगे दिन को भी जाएंगे, रात को, और मैं ऐसे सारी रात मॉनिटर करता हूँ, पहले भी करता हूँ, इंशाल्लाह आज से जो क्रैकडाउन शुरू किया है सारी रात हम
वाटर थेफ्ट को जो है चेक करेंगे और इंशाल्लाह सख्त से सख्त एक्शन लेंगे। तो जी अब हैं उन्होंने बड़ा परसू किया और रूल्स में अमेंडमेंट की है, वो इंशाल्लाह एक महीने में वो इन्वॉक हो जाएंगे। रूल्स में अमेंडमेंट हो गई है, उसकी उसका ड्राफ्ट हमारे पास पहुंच गया है, ऑफिशियली गजट नोटिफिकेशन अनकरीब हो जाएगी इसकी, इस उसमें नॉन अवेलेबल हो गया ये। हाँ जी अच्छा सर, हम पूरा बड़ी मुश्किल से कर रहे हैं। होता ये है कि जिस एरिया में इरिगेशन वाटर इज़ मेंट फॉर द एग्रीकल्चर पर्पज़, जिस एरिया में कॉलोनियाँ बन गई हैं अदर देन इरिगेशन वो यूज़ हो रहा है, आबादी बन गई है, रोड्स बन गई हैं और दूसरी कंस्ट्रक्शन हो गई है, उनकी जगह प्रायोरिटी पे हम पानी देते हैं। उसकी कमेटी बनी हुई है पंजाब लेवल पर, वो उसको रिकमेंड करती है, फिर उसको उसी नया नहीं उसी पानी को रिप्लेस कर दिया जाता है। कोई कुछ नहीं, आरपीओ बहावलपुर की स्पेशल ड्यूटी लगाई हुई है, उन्होंने आज जहाँ से मर्जी आ जाए, हम पानी चोरी पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। रावल अपने कनाल गार्ड मौजूद हैं, उनके पास असला भी है। नंबर टू, आईजी पंजाब ने हमें पुलिस फोर्स भी दे दी है, तो वो हमारे साथ होंगे, इंशाल्लाह ऐसा वाकया नहीं होगा। असल बात ये कि पानी चोरी की जो रीजन होती जी पंप लगे थे उधर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के रेफरेंस से भी कह रहा हूँ, हम बिल्कुल किसी इन्फ्लुएंस को नहीं मानेंगे। जो पिछले महीनों में जो है, यही मैं विद रेफरेंस टू द मीटिंग ऑफ द मसूर साहब, हाँ जी हाँ जी, तो एमपी एमपी का कोई इन्वॉल्वमेंट बताते थे, हाँ जी, तो इनके बारे में जो है वो हाउ यू वुड बी एबल टू टैकल सर, हमारे ऊपर कोई ऊपर से फोन आता है या सेक्टर साहब ने खुद कागज मेरे पर देते हैं, ये इस हद तक जो पानी चोरी पकड़ेंगे तो टेल पे पानी पहुंचेगा, इंशाल्लाह हम इंश्योर करेंगे। अल्लाह का शुक्र है हमारे पास जितनी भी टेलें हैं मैक्सिमम पे पानी जा रहा है, बाकी फ्लक्चुएशन आती है रिवर में, आती है सीजनल चेंजेस आती हैं, अगर कोई ऐसी आएंगी वो ठीक है, हम रोटेशन चलाते हैं और इंशाल्लाह रहीम यार खां में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, तो मेरा ख्याल है कि अब हम टेल पे पानी पहुँचाएँगे। आपको खबर आती है आप भी हमें बताएं।